नमस्कार, मैं हूं अश्मिका गुप्ता और खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मालदा कांड को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक राजनीति का बेहतरीन उदाहरण है। मालदा हिंसा की जांच करने गए बीजेपी के 3 सांसदों को वापस लौटाए जाने से नाराज बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता वोट बैंक की राजनीति करती हैं और अफीम की खेती करने वालों को बचाना चाहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता से 5 सवाल पूछे हैं और इनका जवाब मांगा है। गौरतलब है कि बीती 3 तारीख को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2.5 लाख अल्पसंख्यकों की भीड़ में हिंसा फैल गई थी। हिंदू महासभा के नेता के मोहम्मद पैगंबर पर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रही थी। इस दौरान करीब 2 दर्जन पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। क्या सरकार का, कोई भी सरकार हो, सेक्युलर भारत के अंदर उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी इस प्रकार का सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली कोई भी हरकत करे, आह्वान करे, उसे रोकना चाहिए? तो ममता जी, आपने क्यों नहीं रोका? मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। जहां एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी रहा, वहीं दूसरी ओर भाकियू के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य तय करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में भी भाकियू द्वारा डीएम कार्यालय पर कब्जा कर लिया। धरने का आज दूसरा दिन हो गया है। कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे डीएम कार्यालय को सील करते हुए झोपड़ियां बनाकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इसी धरने पर आज भाकियू जिला अध्यक्ष राजू अहलावत का केक काटकर जन्मदिन मना लिया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, सीओ जगदीश सिंह सहित कई अधिकारी भी जन्मदिन में शरीक हुए। इन अपराधियों को धरना खत्म कराने के लिए लगाया गया था और ये अधिकारी जन्मदिन में शरीक होकर केक का लुत्फ उठाते नजर आए। सरकार की नुमाइंदगी करने वाले अधिकारी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। लोगों के बीच जश्न में शरीक होकर महरम लगाने का काम किया जा रहा है। बांदा पुलिस की निष्क्रियता एक बार फिर सामने आई है। कोतवाली से 50 मीटर स्थित बैंक से जब एक युवक पैसा निकाल कर जा रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उससे पैसे लूटकर फरार हो गए। ये दुस्साहसिक घटना यूपी के चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा में हुई है। आज सुबह मर्दन नाका डीएवी कॉलेज के बगल में स्थित सेंट्रल बैंक में दारुल उलूम रब्बानिया के शिक्षक मोहम्मद इब्राहिम, उनका भाई फरहान और उनका चौकीदार बोलेरो से आए और बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। ये लोग पैसा लेकर जैसे ही बाहर आए, तभी बाहर पहले से खड़े 3 युवकों ने उन्हें घेर लिया और चौकीदार हफीज की पीठ में गोली मार दी और रुपए छीनकर काली पल्सर बाइक से तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और घायल हफीज को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया है। वारदात की खबर पाकर मौके पर कमिश्नर वेंकटेश्वर लू, डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी समेत पूरा पुलिस अमला पहुंचा और मामले की तफ्तीश कर रहा है। इस वारदात पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि तफ्तीश जारी है, दबिश दी जा रही है। बदमाशों के बारे में जो इंटेलिजेंस पुलिस ने उसे पता लग गया है और पुलिस चेकिंग कर रही है, उनके यहां मुझे लगता है। देश में जहां एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के बेगूसराय में एक कलयुगी मां ने बच्ची को जन्म देते ही झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। बिहार के बेगूसराय की जहां रविवार शाम को बछवाड़ा बांध के किनारे चारा काटने गई नूतन देवी को झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्ची रोते हुए मिली। इस बच्ची की माँ ने इसे झाड़ियों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। नूतन देवी ने इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी उठा ली है और बच्ची को भी दूसरी माँ मिल गई है। नूतन देवी को 2 पोते हैं पर पोती नहीं है। अब वह इस बच्ची को अपनी पोती मानकर इसका लालन पालन करेंगी। वहीं गांव वाले ने भी बच्ची को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देश में जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जागरूकता के अभाव के चलते ठंड के मौसम में इस नवजात बच्ची को सिर्फ इसलिए मरने के लिए फेंक दिया गया कि वह लड़की थी।
बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, तभी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता आएगी व लोग बेटा व बेटी में फर्क करना भूलेंगे। तो दौड़ल गेलिए देखे ला कि कथी कर रहे कथी, देखलिए बच्चा है तो हम उठा लेलिए तो हल्ला हल्ले सब कोई गेलखिन देखे ला, कहलिए हमरा बेटी नहीं है, पोती पोती है बेटी ना, बेटियो है हमरा पोती नहीं है, तो अपन पोते पुतहु के बच्चा आन के कहलिए हल्ले तू पोसिए एकरा रख बढ़िया से। भारत पाक के विदेशी सचिव स्तर की वार्ता के रद्द होने की खबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बेबुनियाद बताया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर पर आगामी 15 जनवरी को प्रस्तावित वार्ता के रद्द होने की खबर का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खंडन किया है। एक हिंदी अखबार ने दावा किया है कि उसे दिए गए कथित इंटरव्यू में डोभाल ने भारत पाक वार्ता रद्द होने का दावा किया है, जबकि डोभाल ने इंटरव्यू देने की बात से ही इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पठानकोट के गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी बातचीत को रोका जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद साफ हो गया था कि हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का हाथ है। इस मामले में भारत ने पाकिस्तान सरकार को कई अहम सबूत भी सौंपे हैं। पठानकोट जालंधर हाईवे से सटे गांव बाकी सेंदा के पास एक पेट्रोल पंप पर युवक की गोली लगने से मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नंगलभूर के अधीन आते गांव ढाकी सेंदा स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर पैसों के लेन देन को लेकर पंप के करिंदे व एक व्यक्ति के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुस्साए व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से करिंदे पर गोली चला दी, इसके चलते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची चौकी नंगलभूर की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पठानकोट में उसका पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान उमेश कुमार पुत्र रफल राम निवासी बटोली गंगत हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। गोली उमेश की छाती में लगी जिसमें उसकी मौत हो गई। उमेश की मौत से हड़बड़ाए रूपिंद्र ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए शव घसीट कर करीब 100 मीटर दूरी झाड़ियों में फेंक दिया। पेट्रोल पंप से किसी ने उसकी सूचना पुलिस व उमेश के परिजनों को दी, जिस पर पुलिस व उमेश के परिजन मौके पर पहुंचे तथा झाड़ियों से उमेश की लाश बरामद की। लोहड़ी मनाकर घर वापस लौट रहे एक परिवार की फरीदकोट हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट होने के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक 5 साल की बच्ची भी शामिल थी। ये वाकया है फरीदकोट के नेशनल हाईवे नंबर 15 का, जहां अपनी बेटी के साथ लोहड़ी मनाकर फरीदकोट से वापस आ रहे परिवार का फरीदकोट जा रहे ट्रक से भयानक टक्कर हो गई। ट्रक इतनी भयानक थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार 5 जख्मी लोगों को फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहाँ 5 में से 3 को मृत घोषित कर दिया और 2 गंभीर रूप से जख्मी है। मरने वालों में एक 5 साल की बच्ची भी है। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ASI हरपूल सिंह ने बताया कि बाबा रोड़े शाह की समाधि के पास एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल और 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देश एवं प्रदेश में सत्ता की भागदौड़ संभाले बीजेपी को अभी लगभग 12 से 18 महीनों का समय ही बीता है, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले से आए पंचायती चुनावों के पहले चरण के नतीजों से यह अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी एवं जनता के बीच एक बड़ा गैप बनता जा रहा है। पंचायत चुनावों में सबसे अधिक पोलिंग दर पंचकुला एवं दूसरे नंबर पर यमुनानगर में दर्ज की गई। साफ है कि जनता ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, यमुनानगर के कई गांवों में तो 100% पोलिंग रेट रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में नतीजे बीजेपी के खिलाफ आना पार्टी के लिए काफी चिंताजनक माना जा रहा है। विधानसभा स्पीकर कंवर पाल गुर्जर के गांव बहादुरपुर में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रमोद कुमार को आजाद उम्मीदवार ब्रिजपाल से करारी हार झेलनी पड़ी है। बड़ा नुकसान देवधर सीट पर हुआ है, जहाँ बीजेपी के शक्ति केंद्र के प्रमुख ओमकार भी बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। देवधर में चुनाव से कुछ समय पहले CM मनोहर लाल खट्टर स्वयं आए थे और यहां के कन्या महाविद्यालय को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान भी करके गए थे। यही नहीं, सरकार की ओर से कई योजनाएं भी इस गांव के लिए प्रस्तावित बताई जा रही हैं। ऐसे में यहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जीत मिलने की बात कही जा रही थी, मगर हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। आजाद उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार की पुत्रवधु उमा ने विधानसभा स्पीकर कंवर पाल गुर्जर के खास ओमकार को 350 वोटों से पराजित कर दिया, जो भाजपा के लिए एक बड़ी हार कही जा रही है।
वहीं विपक्षियों ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है। यमुनानगर पंचायत चुनाव में खदरी सीट भी बड़े बड़े नेताओं के लिए मूंछ का सवाल बनी हुई है, क्योंकि यह गांव अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने गोद लिया हुआ था। यही नहीं, इसी गांव के रहने वाले भोपाल सिंह भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सदस्य हैं। यमुनानगर बीजेपी के जिलाध्यक्ष महेंद्र खदरी भी इसी गांव में रहते हैं। ऐसे में इतने बड़े बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बावजूद भाजपा समर्थित उम्मीदवार संयोगिता आजाद उम्मीदवार सुमन से 201 वोटों से हार गई हैं। इस सीट से जीतने वाले प्रत्याशी ने इसे बीजेपी की प्रत्याशी की हार नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं की हार करार दिया। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। समय के साथ चलने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम।